बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन गार्डन में। तो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपको बनाना दिखाएंगे एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं एक यमी सी बिरयानी, जो कि बहुत ही ईजी है इसको बनाना। तो चलें व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर जो है फुल साइज़ के 2 मैंने अनियन ले लिए थे, ठीक है। इनको आपने डार्क ब्राउन करना है, ठीक है। अच्छे से जो है आपने ऑयल या घी के अंदर इनको डार्क ब्राउन कर लेना है। चलें, अच्छे से डार्क ब्राउन होते हैं फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर, इस तरीके का जब ये डार्क ब्राउन हो जाए तो आपने जो है इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है, ठीक है। ये देखिए 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड किया। अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूअर्स, 1 से 1.5 मिनट के लिए जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को फ्राई किया है। अब इसमें ये देखें टमाटोज़ ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटोज़ हैं, ठीक है, इनको ऐड किया है। तो व्यूअर्स, अब जो है इसमें थोड़ी स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून जो है वो आपने रेड चिली पाउडर ऐड कर लेना है, ठीक है। 1 टेबल स्पून जो है वो इसमें सॉल्ट ऐड किया है। तो व्यूअर्स, अब जो है इसमें बाजारी बिरयानी मसाला है वो 1 पैकेट ऐड किया है, ठीक है। व्यूअर्स, नमक जो है वो मैंने कम ही ऐड किया है, ठीक है। आपने जो है वो अपने हिसाब से नमक और मिर्च ऐड कर लेना है, ठीक है। तो व्यूअर्स, 1/2 टी स्पून जो है वो इसमें टर्मरिक पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को, ठीक है। तो व्यूअर्स, अब ये देखें 1.5 kg चिकन है, इसको ऐड कर देंगे। तो व्यूअर्स, ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया चिकन को। अब इसको 10 मिनट के लिए जो है वो ढक देंगे, ठीक है, लो फ्लेम पे। तो व्यूअर्स, ये देखें 10 मिनट के लिए जो है मैंने इसको कवर कर दिया, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स, जो हमारा कोरमा है बिरयानी के लिए वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब जो है फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पर जो है चावलों को 1/2 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था, ठीक है। और इसमें जो है मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। अब इसमें जो है वो साबुत गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, ठीक है। इसमें जो है साबुत गरम मसाले में ये देखें ज़ीरा है, काली मिर्च है, बड़ी इलायची है और दालचीनी है और तेज़पात है, ठीक है। तो व्यूअर्स, इसमें जो है वो लौंग भी शामिल किए हैं, ठीक है। चलिए अच्छे से जो है वो अब तो व्यूअर्स, अब जो है इसे उबाल आने देंगे, ठीक है। तो व्यूअर्स, मैं आपको जो है वो क्वांटिटी बता दूं, 1 kg राइस है और 1.5 kg जो है वो चिकन है, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर जो है वो मैंने पानी इसका निकाल दिया चावलों का, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, एक लेयर जो है वो हमने कोरमे की लगाई है, ठीक है। अब जो है दूसरी लेयर हम राइस की लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, अब जो है एक लेयर कोरमे की, एक लेयर राइस की और अब जो एक लेयर है वो हम धनिया और पुदीने की लगा रहे हैं, ठीक है। अब जो है लेमन ऐड किए हैं और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज भी साथ ऐड किए हैं, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, अब जो है एक और लेयर हम कोरमे की लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से व्यूअर्स, इतनी मज़ेदार बिरयानी बनकर रेडी होगी। आपने भी इसको जो है इसी तरीके से ट्राई करके देखना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से जो है वो इसको फैला लेंगे पूरे कोरमे को। तो व्यूअर्स, अब जो है एक लेयर और जो है वो राइस की लगाएंगे, ठीक है। जो है एक और लेयर जो है धनिया पुदीने की और लेमन और ग्रीन चिलीज ऐड किए, ठीक है। अब जो है ये देखिए जर्दा कलर ऐड कर रहे हैं हम, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से जो है वो आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देना। जो है इसको कवर कर दिया है, इसको दम वाली फ्लेम पर जो है अब इसे रख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए व्यूअर, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनकर रेडी हो चुकी है। तो व्यूअर्स, इतनी टेस्टी बनी है, इतनी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो आप भी लाजमी इस रेसिपी को इसी तरीके से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।